अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज औरंगाबाद में भाई एक मच अवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए। हमने जैसे हमारे पिछले कुछ वीडियोस में कहा था भाई, हम लोग एक बहुत ही नायाब बकरा आप लोगों के सामने रिवील करने जा रहे हैं। और ये बकरा जो है रिप्रेजेंट होने वाला है एफके गोट्स एंड टाइसन गोट्स की ओर से। और माशाल्लाह बहुत दिनों से इस बकरे की चर्चा चल रही थी, बहुत लोग जानते पहचानते हैं, बहुत लोगों को इसकी चीज के बारे में पता है, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम ये रिवील हो रहा है आप लोगों के सामने। तो भाई जो दो प्राउड ओनर है इस बकरे के हमारे साथ है, और इंशाल्लाह इस बकरे के ताल्लुक से वो हमें बात करेंगे और क्या है स्पेशल बकरे में और क्यों इतना हाइप है इस बकरे के बारे में और इतनी क्यों चर्चा है इस बकरे के बारे में। तो हम लोग ये भी इन दोनों भाइयों से पूछेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाई हमारे साथ है माज भाई और शहजाद सर, फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों भी अपना चेहरा रिवील कर रहे हो और बहुत ही एक सुनहरा मौका मैं समझता हूँ आप दोनों के लिए। और कई दिनों से आप दोनों का ये था कि भाई हमें ये बकरे को लॉन्च करना है, तो भाई इतनी बातें किया मैंने, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद सर, आपका भी बहुत दिनों से था कि भाई मैं मेरा चेहरा दिखाऊंगा तो कोई ऐसी चीज के साथ दिखाऊंगा जिसका चेहरा किसी और ने ना देखा हो। सो फॉर द फर्स्ट टाइम बकरे का भी चेहरा देखा जा रहा है और आप दोनों का भी चेहरा रिवील हो रहा है। और सर थोड़ा सा इस बकरे के बारे में चर्चा करेंगे हम, पहले शुरुआत तो नाम से ही करेंगे इसकी हम। इस बकरे का नाम बाबर है, बाबर, जो कि मार्केट में इस नाम का कोई बकरा सानियन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। और नाम भी मुझे काफी अच्छा लगा तो हम दोनों ने राय मशवरा करके इसका नाम बाबर रखे। अच्छा, सो भाई ये है बाबर। और सर जैसे कि आप दोनों इस बकरे के प्राउड ओनर है, एफके गोट्स माज भाई का है और एफके गोट्स ये हमारे दोस्त है नजदीकी एकदम माज जी, और हमारा टाइसन गोट्स, टाइसन गोट्स है। सो ये दोनों आप दोनों इस बकरे के प्राउड ओनर हो। मैं कुछ बकरे के बारे में ताल्लुक से चर्चा करना चाहूंगा और कुछ हमारे साथ फ्रेंड्स भी है जो कि जो अपना ऑनेस्ट रिव्यू है इस बकरे के ताल्लुक से वो भी देंगे। तो सर आप पब्लिक के दिलों में बहुत था इस बकरे को लेकर कि भाई शहजाद सर और हमारे माज भाई ने एक बकरा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेट में लिया है। तो भाई सर आप दोनों के दिमाग में या आप दोनों की क्या थिंकिंग थी? मैं समझता हूँ आप दोनों ने बहुत राय मशवरा किए होंगे इस चीज के बारे में। जी जी तो भाई, क्या कंसीडर किया आपने इस बकरे के बारे में कि भाई हम इसके लिए इतना पैसा खर्च करें? और बकरे के डिटेल्स वगैरह भी आप लोग बताएं हमें साथ ही साथ। देखिए ये बकरा फुल ब्लड में है और ये इसका लेने का रीजन ये है जी कि मार्केट में इम्पोर्ट बकरे बहुत कम है। अच्छा। और जो है तो मतलब वो ठीक ठाक है, ये बकरा उन बकरों में सबसे आगे की हाई क्वालिटी का लगा मुझे। अच्छा। इसके सिंग, इसकी हाइट जी, इसका स्ट्रक्चर, इसके कान वगैरह, ये देखकर हमने डिसाइड किया कि इसको परचेस करेंगे, भले कितने का भी रेट का होने दो। अच्छा। इंशाल्लाह शौक करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर शौक तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सोचे थे कि भाई कुछ करेंगे तो बड़ा ही करेंगे, तो इसीलिए बकरे को परचेस किया है जी। और ये बकरे की चर्चा औरंगाबाद में तकरीबन 7 से 8 महीने से हो रही है जी, जी। कि बकरा आने वाला है सर का, मतलब मार्केट में चर्चा है जी, लेकिन बहुत कम जो नजदीकी लोग है उन्होंने ही इस बकरे को देखा है, देखा है जी। ये घर पर आके औरंगाबाद में आके अपने पास 6 महीना हो गया, तो जो नजदीक के लोग है उन्होंने देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सबका पॉजिटिव रिव्यू आया है इस बकरे को देखकर। और जो रिव्यू दिए वो लोग भी ऐसे चलते फिरते नॉर्मल लोग नहीं है कि जो कोई बकरे की किसी की भी तारीफ कर देंगे, उनको चीज समझ में आती है तभी कुछ अपने दो लफ्ज कीमती लफ्ज बोलते हैं इस बकरे के बारे में। और इंशाल्लाह कुछ लोग जो बचेंगे जिन्होंने बकरा नहीं देखा, वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन उनके लिए ओपन है, वो अपनी राय रख सकते हैं। जो नहीं देखा है वो उनके हिसाब से कुछ भी गुड कमेंट्स भी कर सकते हैं, बैड कमेंट्स भी। अब वो किसी के कमेंट्स को अपन रोक नहीं सकते जी, बिल्कुल। अब जो लाइव देखा है वो कमेंट किया तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहेगी, ज्यादा के उसकी जो वैल्यू रहेगी देखने पर। जिसने देखा नहीं है वो कमेंट करके फालतू बात है जी जी जी। अब मैं बाहर कंट्री नहीं घुमा और उसके बारे में मैं कुछ कमेंट करूंगा तो फिर वो फजूल बात होगी। मैं जाकर आऊंगा फिर कमेंट करूंगा तो उस कमेंट की वैल्यू भी रहेगी मार्केट। तो थोड़ा सा इस बकरे के बारे में और बताइए हमें, डिटेल्स क्या है इस बकरे की अभी? इस बकरे की डिटेल ये है कि फुल ब्लड में इतनी हाइट का बकरा औरंगाबाद में अभी तक नहीं आया है। तो मतलब कितनी हाइट है इसकी? हाइट 37 है। 37 इससे बड़ी साइज के भी बकरे इंडियन में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो इससे बड़े बोले तो वो भी गिनती के है इक्का दुक्का, लेकिन इंडियन में है वो। और इम्पोर्ट में इतने बड़ा साइज का, इनडायरेक्टली आपका ये दावा हो रहा है कि जो बकरा आपका बाबर है फुल ब्लड में इससे ऊपर का यानी इससे हाइटेड बकरा अभी तक नहीं है औरंगाबाद में, तो अभी तक नहीं आया है। और अच्छा। खड़े इसकी दूसरी खास बात ये है, इसकी हाइट लेंथ तो है सबसे ज्यादा, और दूसरी चीज की जो सिंग है, सिंग भी इसकी 25 लेंथ की सिंग है, और 25 में इतने खड़े सिंग भी आज तक नहीं आए। हालांकि इससे तो बड़े सिंग के भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन खड़े में नहीं मिलेंगे। रुकाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए मैं जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो शूट करता हूं
बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि भाई शायद से हो सकता है आपने ही बकरा नहीं देखा होगा, इससे बड़े बड़े बकरे बहुत है। तो ये आप जो एक सर्कल बता रहे हो कि भाई औरंगाबाद के हद तक है, महाराष्ट्र के हद तक है, इंडिया के हद तक है कि भाई ये बकरा आपने दूसरा ऐसा बकरा नहीं देखा कोई? नहीं, हो सकता है भाई, लेकिन जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे जो चीज आती है उसी को देख के हम डिसाइड कर सकते ना। और ये सिर्फ मेरी अकेली की थिंकिंग नहीं है, जो जानकार है जिन्होंने बकरा देखा अपने आके, जो औरंगाबाद के पुराने सवानियों के शौकीन है, उनकी भी यही रिव्यू। पर्सनली मैंने चाहा था कि भाई हमारे यहाँ के जो दूसरे लोग है जो यहाँ पे सवानियों का शौक करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मौजूद रहे आज के। तो सर जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिया, लेकिन मैंने आज चाहा कि कुछ लोग जो मेरे भी ताल्लुकात के, मैं चाहूंगा कि भाई वो ऑन कैमरा आकर अपना पॉजिटिव रिव्यू दे, ताकि ये ना लगे भाई बकरा तो आपका है, आप तो भाई ऑब्वियसली उसकी तारीफ ही करेंगे, आपने मुझे शूट के लिए पैसा दिया, मैं भी शायद से हो सकता तारीफ ही करूँ आपकी। बट मैं फैक्ट पे बात करना बहुत पसंद करता हूँ, भले आपको बुरा लगे, देखने वाली आपकी चाहने वाली पब्लिक को बुरा लगे, दीवाने फैक्ट पे बात होना चाहिए मार्केट में भाई। बिल्कुल, और साथ में हमारे कुछ भाई लोग हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माज भाई से भी हम लोग इस बकरे के ताल्लुक से बात करेंगे। माज भाई के पास पास ऑन कीजिए। तो माज भाई जैसे कि आप भी इस बकरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। चलो सर ने तो भी सर आपको कितना वक्त हो गया इस लाइन में, सानियन लाइन में? ये हम दोनों को सेम टाइम ही हुआ है, फिर भी तकरीबन डेढ़ साल हो चुका है। डेढ़ साल हो चुका है, साथ में ही एंट्री हुई थी। तो माज भाई थोड़ा करीब लीजिए माइक। आपने ऐसा क्या देखा भाई इस बकरे में जो सर ने आपको कन्विंस किया, या फिर आपने सर को कन्विंस किया, या दोनों एक पॉइंट पे आए कि ये बकरा लेना ही है अपने को? सर ने बताया कि फुल ब्लड लाइन का बकरा है और इसके अंदर जो साइज है, लेंथ है और इसके सिंग है, जैसा इतने इंपोर्ट लाइन के अंदर ये इतने सारे चीज नहीं थे। अब हमने इतने इंपोर्ट लाइन के बकरे देखे मगर उसके अंदर इसकी हाइट, लेंथ, साइज नहीं दिखा वहाँ को। अच्छा, मतलब इससे पहले आपने कुछ बकरे कंसिडर भी किए थे, यानी देखे भी थे कैसे होते हैं बकरे? देखे थे हमने जी फुल ब्लड लाइन के, तो उसके अंदर सर ने बताया था कि इसकी जो है ना हाइट है, लेंथ है, सिंग अच्छे है, कान अच्छे है, और बकरी की खास ये है कि उसकी हाइट वो अच्छी है, तो वही हिसाब से हमने उसको परचेस करने का सोचा। अच्छा, तो ये चीज ने आपको कन्विंस किया। तो भाई लोगों को थोड़ा सा हम लोग आगे बता देते कि ये आपका ब्रीडिंग बक है, वरना ऐसा ना हो चर्चा में हम लोग ये भूल जाए कि भाई लोगों को बताना ये बिक्री के लिए नहीं है, ये जी ये शौक दिखाना है, आगे चल के एफके गोट्स और टाइसन गोट्स पे इसके बच्चे रहेंगे। सो जो हमारे साथ भाई लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर खास तौर से इस बकरे के ताल्लुक से अपने दो शब्द रखने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह हम उनसे इंट्रोडक्शन देते हैं उनका और सामने लाते हैं उनको। ठीक है, ठीक। सो भाई हमारे साथ सभी भाई है, सभी को अस्सलाम वालेकुम और हमारे अजय भाई को आदम। अजय भाई आए हैं हमारे अजय गोट फार्म से, राइट। एहसान मोहम्मद भाई है, एहसान मोहम्मद भाई आपका सेटअप का नाम क्या है? नाम नहीं, नहीं। ओके, और माज भाई है, माज भाई के बाजू में माजिद भाई, माजिद भाई है हमारे, अबरार भाई है अंबर गोट फार्म वाले, सलमान भाई है सलमान गोट्स, शहजाद सर, और शहजाद सर आपके बाजू में ये हुजैफ, हुजैफ आपके भांजे हैं, उनका भी फार्म है जी। सानियन वाले हर कोई जानते हैं भाई, माशाल्लाह जी जी जी। ये तो भाई नामों का ट्रेंड तो अभी अभी शुरुआत हुआ है, लेकिन जो लोग पहले के लोग थे इनको नाम वाम कुछ नहीं, सिर्फ काम जानते थे लोग, सही है। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, और ये एक दोस्ताना ही रहता है जो भाई एक दूसरे को खींच कर ला कर जमा करता है, वरना ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर सब अपना अपना देख रहे हैं आजकल के पीरियड में जी, चीज भी मायने रखती है जी जी। सो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त लेने के लिए। पहले हम दोनों से पूछेंगे क्योंकि भाई थोड़ा टाइम बैरियर है। एहसान मोहम्मद भाई जी, बकरे के ताल्लुक से अपना ऑनेस्ट रिव्यू क्या है आपका, थोड़ा सा दो शब्द में अगर बोलना चाहेंगे आप? बकरा तो बहुत माशाल्लाह है साहब, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा बकरा इंपोर्ट में हाइट लेंथ में जी अभी तो किसी के पास है ही नहीं। अच्छा। जो हाइट में, लेंथ में जी, और उसके अलावा जो उसका लंगर है जी, तो ये राजा बकरा है वो चीज के हिसाब से। और सिंग का मोटापन देखिए आप उसका, और उसके सिंग खड़े भी है प्लस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सिंग खड़े रहना चाहिए, वरना जो बकरे बैंड सिंग कर लेते यानी पीछे तरीके से घुमा लेते उसमें वो उतनी खूबसूरती नजर नहीं आती जैसे ये बकरा अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। और मैं ये एक बात बोलता हूँ एहसान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत वक्त गुजारा है सानियन फील्ड में, हमारे अबरार भाई है, हमारे अजय भाई है, इन लोगों ने, सलमान भाई है स्पेशली, इन लोगों ने बहुत वक्त और बहुत बकरे देख चुके हैं। तो भाई ऐसा होता है कि भाई बकरा जब लाइव देखते हैं हम, उसकी छवि कुछ और होती है, कैमरे में वो जस्टिफाई नहीं होता है बकरा मेरे हिसाब से, तो एक कंप्लीट पैकेजिंग का बकरा है ये जी, हर चीज से मुकम्मल है जी, और शायद ही मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में दूसरा कोई बकरा होगा जी। और एक आपका ये रिव्यू लेना चाहूंगा प्राइस टैग के ताल्लुक से, भाई देखे अपना अपना बजट, अपना अपना शॉप, अपना अपना जी, हमने कुछ बकरे ऐसे रेट में बिकते हुए देखा है जो हम लोग बोले क्या बेवकूफी है यार, ये यानी वो वैल्यू नहीं है, लेकिन इन्होंने इसका एक बजट दिया है
इससे ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो प्राइस टैग इस पे लगा है बकरे पे, क्या इसको जस्टिफाई करता है बकरे को? जस्टिफाई करता हूं, मैं तो बोलता हूं उतने प्राइस लेके भी कोई फिरा तो ऐसा बकरा नहीं मिलेगा। वरना ये आमतौर पे पब्लिक में बात होती है भाई इन्होंने शायद से हो सकता है बकरा पेन लिया हो, नहीं नहीं नहीं, वो बोलने वाले को ऐसा बकरा लेके आओ बोल के बोला आप। क्या बात, अभी सर मैंने ये बात इनसे क्यों पूछना चाहा भाई, क्या होता है पब्लिक अपना राय बराबर बताती है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इनसे ये सवाल करूं। ठीक है, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय भावे साथ में फ्रॉम अजय गुड फार्म। आपका एजे ने माशाल्लाह बहुत नाम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने काफी पसंद किया उसको जब पिछले बार हमने शूट किया था। सो अजय भाई आपका ऑनेस्ट रिव्यू मैं चाहता हूँ, जो आपको लगता है दिल में क्या सोचते हो आप इस बकरे के ताल्लुक से? भाई इसकी हाइट जी, इसकी कान की क्वालिटी जी, और इसकी सिंग की लेंथ जी, एकदम भारी हो, एकदम भारी। सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या लगा इस बकरे? इसकी सिंग की वजह से, इसकी सिंग और हाइट, सिंग और हाइट। और जैसे इनका भी कहना है जो ओनर है, आमतौर पे जो फुल ब्लड आता है उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए नहीं मिलती है, क्या ये सच है? नहीं मिलती भाई जी, कुछ इसमें मिलेंगी, कान की क्वालिटी मिलेंगी नहीं, सिंग में मिलेंगी, हाइट नहीं मिलेंगी। सो हम ऐसा समझ सकते हैं भाई, ये लोग जो दो बंदे अपने एफके गोट्स के और टाइसन गोट्स के, ये काफी लकी रहे कि ये बकरा उन तक पहुंचा। और जितना मैंने सर ने बात की तो उन्होंने भी कहा कि सर शायद से मैं राइट हूँ, कि भाई वीडियो पे मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ऐसा बकरा निकलेगा। सही में समझ में नहीं आया, जो और जो हम शूट कर रहे हैं ना इस पे भी नहीं समझ में आएगा कि बकरा क्या है, वरना ऐसा है कि भाई बोल बच्चन दे रहे हैं बस वीडियो में। लाइव देखे बाद फीडबैक देकर, दैट्स व्हाई हमने ये सोचा कि कुछ बंदे लोग आएंगे, इनको इस चीज के बारे में भी नॉलेज नहीं था कि भाई क्या बोलने वाले और क्या बताने वाले। सो ये ऑल ऑफ द सडन ये वीडियो बन रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाल के इस बकरे के बारे में दो शब्द देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि सर भी आपके और से इनका शुक्रिया अदा करें कि भाई अपना रिव्यू इन्होंने रखा अपने तौर से, और जो ऑनेस्ट रिव्यू वही रखा जी। और ये औरंगाबाद के जेन्युइन लोग है जो दिख रहे हैं ना जी, मतलब सानियन से जुड़े हुए, सानियन से कंटिन्यू जुड़े और अभी से नहीं काफी टाइम से जुड़े हुए जी। और इनका कैसा है, जो चीज अच्छी नहीं है तो सामने लेके मुंह पे बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डरते नहीं ये लोग, बिल्कुल रिव्यू उनका सामने बेहतर है भाई, अपने नाम से लोग ने राय दी, वरना ऐसा नहीं की फेक आईडी से कमेंट्स करे या फिर किसी और के नाम से बोले कि वो ऐसा बोल रहा है ये ऐसा, हालांकि अपनी खुद की दिल की बात रहेगी लेकिन बोलेंगे वो ऐसा बोल रहा है। इनकी खास बात ये कि जेन्युइन लोग, मतलब जो मुंह पे बोलेंगे ना पीठ पीछे भी वही बात होगी। तो हम दोनों इनको इजाजत देते हैं भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिव्यू के लिए, थैंक यू। चलिए मूविंग फॉरवर्ड भाई, सलमान भाई आपको मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा वक्त हो गया, और जैसे भाई हम ये चाह रहे थे सलमान भाई, इस बकरा जब ये बकरे को जब आप लॉन्च करेंगे तो भाई ऑनेस्टली जो लोग बकरे के ताल्लुक से नॉलेज रखते हैं, मैं एक बात बोल रहा हूँ सुनो, नॉलेज रखते हैं बकरे के ताल्लुक से, यानी सानियन के ताल्लुक से, मैं जो ब्रीड का शौक करता हूँ मुझे उस ब्रीड के बारे में सारी मालूमत रहती है। फॉर एग्जांपल मेरा एक बकरा है समझ लो बर्बरी नस्ल का, मैं उस बकरे के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है उसका। आप लोग सानियन से जुड़े हुए कई साल आपने गुजारे, एक से एक बकरे देखे आपने, सो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग आपका ऑनेस्ट रिव्यू दो। बकरा इनका है ऑब्वियसली, ये पॉजिटिव बात करेंगे, अभी मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या है इस बकरे में ऐसी खासियत, या फिर क्या चीज इस बकरे को दूसरे बकरों से अलग बनाती है, और क्या चीज है इस बकरे को इन्होंने इतना, मतलब जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट दिया क्यों दिया, आपको क्या लगता है? सब में पहली बात है ना भाई जी, अगर आप 40 इंच के सिंग का बकरा लेंगे जी, अगर उसके सिंग टेढ़े वेढ़े रहेंगे तो 15 इंच 18 इंच 20 इंच 22 इंच का बकरा उसके मुंह पे 10 बार मारेगा स्ट्रेट सिंग वाला। सो अकॉर्डिंग टू यू आपका ऐसा कहना है जो स्ट्रेट सिंग है, जैसे हम भी हमारे वीडियोस में बोलते हैं, बट सपोज करो मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, तो सिंग खड़े रहना इतना इम्पोर्टेंट है। सानियन में ज्यादा मायने आज के पीरियड में ट्रेंड ये है भाई कि आप 40 इंच की अगर सिंग का बकरा लेंगे उसके सिंग अगर टेढ़े मेढ़े रहेंगे या पीछे गए हुए रहेंगे बेंड रहेंगे, और 20 इंच 22 इंच 25 इंच का अगर बकरा है और उसके सिंग अगर स्ट्रेट जा रहे हैं भाई तो उसको ज्यादा मार्केट में मान्यता रहेंगी, वैल्यू रहेंगी उसकी। मैंने सुना ये चीज की भाई जो खड़ी सिंग है, और मैं मेरे वीडियोस में भी कहता हूँ कि जो खड़ी सिंग है इसको आजकल काफी लोग, सिंग जो है ना भाई दूर से एकदम इंसान को मुतासिर कर देती है, दिक्कत आती है, दिक्कत आती है जी खड़ी, और आजकल जो मोटी आ रही है, थिकनेस आ रही है, थिकनेस जो है तो जी, पहले एक प्रेफरेंस दिया जाता था बड़ी बड़ी सिंग चाहिए था लोगों को, ओल्ड ब्लड लाइन में चलता था जी जी जी, ये न्यू ब्लड लाइन में जो मतलब नीदरलैंड ब्लड लाइन आ रही है उसमें थाई है दूसरे और लंका है जी, तो खड़ी सिंग के ज्यादा लोग जो है ना उसको पसंद करते हैं। तो आपके अनुसार इनका जो परचेसिंग रहा तो कैसा रहा आपके अनुसार कि सही परचेसिंग रहा? परचेसिंग कैसा है, इंसान के सबकी अपनी अपनी एक मेंटेलिटी रहती है, आप इसके जानवर को लेके कुछ लोग जो है तो फतवा देने वाले बन जाते हैं कि ये बकरा इतने का है वो बकरा उतने का है। अब भाई जो परचेसिंग वाला जो उसको ओनर है, जैसा हमारे मास भाई एफके गोट से है और
शहजाद सर है टैसन गोट से, उनको ये बकरे का उतना रेट वाज भी लगा जैसे उन्होंने ब्रीडिंग पर्पज से लिए, तो उनको लगा यार बकरा ये इतने का जो भी उन्होंने एक्सपायर डेट रेट में लिए तो उनको सही लगा, वो हिसाब से उन्होंने पैसे दिए भाई। अच्छा। अब हम बोलेंगे अरे नहीं तुमने 2 लाख का था 3 लाख का था तुमने पेन लिए महंगा ले, तो उनके हिसाब से उनको सुटेबल हुआ तो उन्होंने लिए। अच्छा, आप तो आपकी राय बोलेंगे कि भाई आपने शायद से महंगा लिया या जो भी पब्लिक है जो भी कॉस्ट में लिए, तो अब ऐसा बकरा अगर वो पैसे लेके भी ढूंढे तो इतना ऐसा बकरा नहीं मिलता, हाइट लेंथ फ्रेम हर चीज है भाई उसमें, और हर बकरा अपने साथ एक यूनिकनेस लेके आता है। दूसरी बात कैसा है भाई, देखो अल्लाह ने है ना इंसानों में भी एक अलग अलग राइट वो भी देवा है, राइट राइट राइट, तो जानवर में भी है ना अल्लाह ने एक अलग अलग सबकी अपनी अपनी एक जी देवा है, किससे कोई अब जैसा शहजाद सर का बकरा है बाबर नाम है जी, तो जैसा सोचने वालों ने बोलने वालों ने जैसा किसी से इसको कंपेयर ही नहीं करना, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, अल्लाह ने बहुत अच्छी बात रुतबा दिया भाई। बहुत अच्छी बात बोले आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वर्ड आपका सुन के। हाँ। इसका एक अलग रुतबा है, इसकी अलग अलग पहचान, अल्लाह ने सबको एक अपनी अपनी खूबी दिया भाई। और मैं जैसे मैंने पहले भी बोला कुछ लोगों को कि भाई सबको दूसरे को देखकर खुशी होना महसूस चाहिए, खुशी महसूस होना चाहिए राइट, कि भाई चलो इनके पास भी कोई अच्छी चीज है, और कल तो अगर इससे भी अच्छी कोई चीज निकलती है। बकरीबाजी में है ना, मैं थोड़ा बोलूंगा बकरीबाजी में आजकल ऐसा चल रहा है जी, साथ रहते मगर इंसान जाती है उसके पीछे गिबत कर बुराई हो जाती है, राइट राइट, और पक्का इंसान वही जो भाई जो सामने जो बोले मुंह पे बोले बिल्कुल राइट 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 राइट, सर का बकरा अच्छा है तो मैं बोलूंगा सर अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब बकरा इन्हों सेलेक्ट कर रहे थे भाई तो उनसे खुद पूछ लेना आप बाद में, मैं पहला वाइट शख्स था इन्होंने जो मेरे को वीडियो बताया, तो मैं वीडियो पे इनको बोल दिया था कि बकरा आप छोड़ो मत, और बकरा जब आया था ये ट्रैवल से तो मैंने उतारा था, और जब सब में पहला रिव्यू मेरा ही था। क्या बोले थे आपने उन्हें कि भाई बकरा ठीक है परचेसिंग गए, मास भाई हम साथ गए थे, मास भाई हमने क्या बोले थे आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो 10 लोग 10 बात करेंगे मगर मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत गए, अच्छे से पालो ब्रीडिंग कराओ, अब वो इल्मे गए अल्लाह को मालूम भाई वो आने वाले कल में बच्चे क्या बनाएगा क्या नहीं, मगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो हर चीज सब देख के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चे अच्छे बनाएंगे इंशाल्लाह। कुछ बात हुई अपनी कंपटीशन के हिसाब से या फिर जो भी है कंपैरिजन के हिसाब से, मैंने सर से भी बात कहा कि भाई सर आज आप लोग लकब ले रहे हो उसके लिए कि भाई मतलब आया फुल ब्लड में इससे बड़ा सिंग वाला इससे अच्छी हाइट वाला बकरा नहीं है, लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कल तो अगर शहजाद सर और माज भाई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कल तो इससे अच्छा बकरा भी अगर आ गया तो हम लोग खुश होंगे उस चीज के बारे में, क्या बोलेंगे सलमान भाई? अरे भाई देखो अभी तो जैसा है इम्पोर्ट में इतना बड़ा बकरा नहीं है, अगर कल को कोई आ जाएगा अगर उसको देखो फोटो वीडियो में जानवर नहीं समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, अगर कल को कोई फुल इम्पोर्ट में आयाम पीक में आएगा भाई बकरा तो ये अड़िया वो एक नंबर पे राइट, और इन लोगों को खुशी होना चाहिए, एक पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान, पॉजिटिव माइंड रहना इंसान ने कि भाई चलो बहुत अच्छी अपने से भी अच्छी चीज किसी को अल्लाह ने नवाजा है उस चीज से, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ये कहूंगा कि भाई इन्होंने बहुत मेहनत किया, पैसा खर्च करने के लिए भी उतना बात है। जिगर चाहिए होता है। ये बकरे की दूसरी प्लस पॉइंट क्या है मालूम क्या जी, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ थाई की फीमेल छोड़ के इसको हर फीमेल चलेंगी। अच्छा, नहीं तो आजकल क्या हो रहा है मालूम क्या भाई, इनब्रीड का बहुत मसला है, बहुत मसला है, राइट राइट राइट, इनब्रीड जब होती है तो बच्चे छोटे आते हैं, साइज छोटा कर लेता है, साइज छोटे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह की तरफ से गिफ्ट ये है कि थाई की फीमेल छोड़ेगी इनको हर फीमेल चलेंगी, क्या बात है, तो हर चीज इसके लिए सूटेबल रहेगी, सूटेबल रहेगी, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बातें करते हो सलमान भाई माशाल्लाह, और बात क्यों करते हो क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत वक्त गुजार चुके हैं, सच्चे और पक्के इंसान है करके अपन तनाई में रहते हैं जी, और आपका मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपने जो वर्ड बोला कि भाई इंसान को सच्चा रहना चाहिए, जो है वो आमने सामने रहना चाहिए, सही बात है भाई, ये भी अपना एक दोस्त है, ये भी अपना एक भाई है भाई, इनको अगर राय भी देना है अपने को तो आकर देना चाहिए कि भाई यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था शायद से, देखो भाई किसी ने अगर राय मांगा तो उसको सही राय देना, बिल्कुल, अगर जो इंसान अगर साथ रह के वो गलत राय दे रहा तो उससे अच्छा मुनाफिक उससे बना बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, राइट राइट राइट, बहुत अच्छी बात की है, और ये लोग पॉजिटिव है मैं समझता हूँ, कोई अगर इनको आगे राय देगा कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए था तो मैं समझता हूँ ये लोग पॉजिटिव वे में लेंगे कि भाई आपने बोला तो हम उसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे शब्द रहे सलमान भाई आपके, बहुत बहुत शुक्रिया, और अबरार भाई है साथ में जो कि इन्होंने भी बहुत वक्त गुजारा है साथ में, अबरार भाई साहब ने ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड है जी जी, मैं समझता हूँ जब एक बहुत बड़ा चैनल है, जब हमारे औरंगाबाद में आए थे उन्होंने मुझे जिक्र किए थे अबरार भाई के बारे में कि भाई औरंगाबाद में मैंने एक देखा था फार्म जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बकरे थे, तो मुझे नहीं पता था कि वो अबरार भाई के वालिद साहब थे जिनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा साइनन का कलेक्शन था, तो अबरार भाई इनके वालिद साहब ने समझो हम तो बहुत छोटे थे जब हमारी होटल है वहाँ पे फॉर्म के बाजू, तो बचपन में हम हमारे वालिद साहब के साथ आते थे, तो लोग जो आज सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं इधर की ब्लड लाइन उधर की ब्लड लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब ने सानियन को गौरान के जैसा घुमाए, बहुत जी जी जी,
30-40 फीमेल ऐसा रोड पे गौरान के जैसा। और मैंने एक हमारे बहुत नजदीकी शख्स से सुना था कि भाई इनकी जो बकरियां होती थी उनकी जो दूध रहते थे वो इस तरीके से रस्ते पे टपकती थी। फीमेल के जो अडर रहते थे, आज जो लोग बोलते हैं अडर अडर, इनके वालिद साहब ने जब बचपने में बताया लोग को ऐसा जमीन पे समझो अडर राइट राइट राइट। और देखो हम लोगों ने उतना देखा नहीं तो हम लोग क्या है, आज जो देखा देखिए उस पर ही यकीन करते हैं, लेकिन भाई जो पुराने लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ हो चुकी है सब। तो अबरार भाई थोड़ा सा दो शब्द आप क्या कहेंगे इस बकरे के बारे में? भाई देखो हमारे सलमान भाई ने जो कुछ बोले हम उस बात पे सब एग्री है, लेकिन एक इसके अंदर में खास बात ये दिखी भाई, इसकी सिंह खड़े होने के साथ साथ देखो ब्रॉडनेस भी है। हर बकरी की अपनी अपनी खासियत है, हाइट लेंथ तो है माशाल्लाह, उसके साथ साथ देखो उसके सिंह में ब्रॉडनेस भी है। प्लस इसके जो मेरे को पर्सनली बकरे में जो चीज पसंद आती है भाई कि खड़े के साथ साथ देखो सिंह एकदम इसके नजदीक है, एकदम देखिए बिल्कुल एकदम जॉइंट सिंह है, एकदम गैप जरा भी नहीं है भाई। और उसके साथ साथ इसके जो हॉर्न के जो है ना सिंह के जो कोर है एकदम ऐसा उठे हुए भाई, ऐसा यूनिकनेस ये बकरे का यूनिक चीज ये लगी मेरे को बकरे में। बाकी माशाल्लाह हाइट लाइन वो तो देखो सब अपने हमारे सब भाई साहब ने बताया बकरे की जो है, और आप देखो मैं खुद ही खड़ा हूँ, मेरे सामने खुद बकरी का हाइट माशाल्लाह खुद मेरे बाजू खड़े थे सलमान भी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए से जानते हैं और सबकी पर्सनालिटी माशाल्लाह अच्छी है आप लोगों की, सब बकरा भी उसमें उस बीच भी माशाल्लाह अच्छा ही लग रहा है। आप सबके साथ में खड़े रह के भी मैं तो वीडियो में तो अपन समझ में नहीं आता। और एक आपने थोड़ी देर पहले बात भी बोले थे कि प्राइस टैग के हिसाब से ये बकरा शायद बहुत सारे लोगों ने लगा समझे होंगे कि बकरा इन्होंने बहुत महंगा ले लिया, मैं भी था भाई जो अच्छा, है फैक्ट बात। मैं भी सलमान भाई को मैं रुकाना चाह रहा था, मैंने वीडियो में देखा था तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि वीडियो में इतना बड़ा बकरा नहीं है, लेकिन जब मैंने लाइव देखा ना भाई तो सही बोला भाई प्राइस टैग इन्होंने जो मतलब जो प्राइस में लिए कि शायद से हो सकता है थोड़ा महंगा ले लिया। हाँ ना ऐसा लगा था मेरे को भी, लेकिन माशाल्लाह जो लाइव देख समझ में आया कि जब बकरा चीज भी है वैसी चीज है माशाल्लाह बकरे की। और प्राइस टैग आज सानियन में ऐसा है भाई, ये सानियन का आपको भी मालूम मार्केट में डिमांड कैसा है राइट, ये जो बकरा है अभी सानियन में आप कितना महंगा बकरा ले दो, अगर आपके पास अच्छी फीमेल से उसका रिजल्ट सही आ रहा है तो आप पैसा वसूल है सानियन का कितना भी महंगा मिल राइट राइट राइट। एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे पता चला कि सर ने और हमारे माज भाई ने एक बकरा खरीदा है जो कि इसके अराउंड इतनी इतनी वैल्यू है, पता है लोगों को उसको छुपाने जैसी जरूरत नहीं, लोगों को पता चला कि भाई इतनी इतनी, मुझे पता चला कि भाई इतनी इतनी वैल्यू है। मैंने भी सोचा कि यार सर, क्योंकि अभी नवे नए एक साल डेढ़ साल हो रहा है, मैंने भी एक बार सोचा कि यार सर को होना हो शायद से टोपा हो गया, या फिर होना हो सर के साथ कुछ गलत हो गया या महंगा खरीद लिया इनडायरेक्टली, जो गौरान भाषा चलती है बकरेबाजी में मेरे को भी लगा। बट उन्होंने मुझे कॉल किया, शारिक भाई बकरा आया एक बार देखो आके, भाई वो पीरियड में देखा मैंने माशाल्लाह, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो भाई ऐसा रहता वीडियो में जानवर की हाइट लेंथ जो है ना भाई जज नहीं होती जी, क्योंकि मैंने भी इसका वीडियो देखा था सोशल मीडिया के जरिए से, इसका वीडियो मैंने खुद देखा था जी, वीडियो में बकरा छोटा लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखो, बकरा की हाइट लेंथ तो है माशाल्लाह, तब भी नहीं है, मैं मानता हूँ बकरा माशाल्लाह हाइट लेंथ भी है माशाल्लाह, उसके साथ साथ जो चीज मेरे को जो पसंद आती है इसकी सिंग जो है भाई, और उसके और बाद भी सलमान मैंने जैसा आप जो खड़ी सिंह का बोले ना भाई, तो सिंह तो बैंड नहीं है, ब्रॉड साथ साथ ब्रॉड होने के साथ साथ एकदम नजदीक भी है भाई, मेरे को ये चीज पसंद आती है भाई बकरे में। तो भाई जैसे मैंने आपने कहा उस पीरियड में भी माशाल्लाह बकरे का खूबसूरती मुझे समझ आ गई थी, लेकिन शहजाद सर ने जो उसपे जैसे अभी आए जब से आपकी सेटअप पर था इन्होंने अबरार भाई, मैंने इनको पर्सनली विजिट करके देखा हो जब मैं इनके पास वीडियोस बनाने जाता था, भाई ये आदमी इतना मेहनत किया माशाल्लाह इस बकरे पर, इसका जो उन्होंने पोजीशन था तब से लेकर अब तक, क्योंकि शायद से मैंने सेकंड डे ही देखा था ना, सेकंड डे पर ही देखा था मैंने, सेकंड डे देखा उसके बाद जब इन्होंने मुझे इसको निकाल कर दिखाया बाहर अभी एट प्रेजेंट, भाई मैं खुद दंग रह गया कि शहजाद सर क्या मैजिक किया इसके साथ माशाल्लाह। भाई देखो बकरा बाहर से आता है ना भाई बहुत टाइम लगता है उसको, बकरा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत वीक होता है, और उसमें से कुछ कुछ जानवर ऐसे भी थे मर भी जाते भाई, जो जिसको मर जाते राइट राइट, अगर नहीं है जिसको नॉलेज हुई तो भाई यार बकरा जो पोजीशन में खड़ा है इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई दोनों, ये इस तरीके से रेडीमेड नहीं आया था, मैं पब्लिक को बता दूं, आप थोड़ा उसका फ्रेम बदलाओ मैं फिर बोलता हूँ, ये बकरा इस तरीके से जो पोजीशन पे ना ये रेडीमेड इस तरीके से नहीं आया था जी भाई, ये बकरे की पोजीशन बहुत हेल्थ है ये तो भाई ने मेंटेन की, हाइट लेंथ तो भाई बकरा तो वहां से खरीद के लिए वो तो जेनेटिक्स में रहता है, हाइट लेंथ तो वहां से आया, हाइट लेंथ में वहीं से आया, लेकिन जो वेट लिया मेहनत की भाई इसके ऊपर आप हालत भी देख लिए बकरी की, इसकी मेहनत की बहुत करे भाई ने, सही है इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अपने इनके जरिए औरंगाबाद में भी इसके शौक होगा, शौक बढ़ेगा, और एक नई ब्लड लाइन, एक ये बकरा है ना भाई, तो भाई आप पर्सनली एक ब्रीडर, आप पर्सनली एक ब्रीडर हो, आप पर्सनली एक ब्रीडर हो तो क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे इस बच्चे, आप ऑनेस्टली बोलो कि भाई नहीं अगर शहजाद सर दोनों भाई शहजाद सर नहीं माज भाई भी अगर दोनों भाई अगर कुछ देते हैं अगर अच्छी चीज तो क्या लेना चाहोगे बिल्कुल जी भाई
ये कैमरा है इसलिए मत बोलिए। नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर जरूर नहीं, क्योंकि देखो भाई अपने भी कैसा है मालूम क्या कि हर बकरी के अलग अलग ब्लड लाइन के अपने पास कैसे जानवर रहना चाहिए और आप रहना चाहिए। आपने जैसा बोला इनब्रीडिंग नहीं करते। अगर मैं एक ही फार्म से अगर 10 बकरी खरीदूं और एक बकरा लूं तो तकरीबन वो एक मेल के ऊपर जो 10 बकरियां जो आएंगे उनको बच्चों में सिमिलैरिटी रहती है। राइट राइट, ये एक ही ब्लड लाइन के। राइट, तो ये एक अलग ब्लड लाइन का बकरा है जो इसके मतलब अभी तो औरंगाबाद में इसके कोई सिब्लिंग्स नहीं होंगे मेरे हिसाब से, या कोई इसके कुछ भी नहीं अभी तो ब्लडिंग वाला कोई फीमेल या फीमेल नहीं होंगे। राइट, वो कहीं भी कंट्री से है लेकिन वो अपने को ब्लड रिलेशन तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये इसके जो बच्चे आएंगे तो सर यूनिक आएंगे और जो हर कैसा है आप अलग अलग बकरे के आपने से औरंगाबाद में नाम चढ़ा और ऑल ओवर इंडिया नाम चढ़ा अलग अलग बकरे के, तो अलग अलग बकरे के अपने अपने जेनेटिक्स से अलग अलग बच्चों को खूबसूरत आती है उसके अंदर इंशाल्लाह। ये बच्चे की ये बकरे के अगर बच्चे आएंगे वो फीमेल्स के ऊपर इंशाल्लाह चार चांद लगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई आपका कीमती वक्त देने के लिए। अच्छा लगता है आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं इनसे बात करने में और भी मजा आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आखिर में हम दो बात करके सर के साथ एंड करेंगे। सर जितना भी सुना हो माशाल्लाह बकरे के ताल्लुक से मुझे भी कहीं ना कहीं वैलिडिटी लगा, वरना मैं इनको रोक कर पूछता था कि भाई ये तो आप गलत बता रहे हो। माशाल्लाह जो इसके आगे जब ये बकरा रिलीज हो रहा है भाई कोई देखेगा जब आप बच्चे बेचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बाद में आके कमेंट करेंगे कि बकरा देखे तो क्या देखे इंशाल्लाह। तो भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक इंशाल्लाह। मैं तो पहला ये चाहूंगा कि इसकी ब्रीड जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचे। और जैसे हमने बताया कि भाई आप दोनों काफी पॉजिटिव हो, पॉजिटिवनेस को पसंद करते हो, जैसे सलमान भाई ने भी बताया कि भाई पॉजिटिवनेस रहना चाहिए। मैंने भी बताया कि भाई हो सकता है कल तो इससे अच्छा भी बकरा लाएंगे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है सानेन वालों में, जैसे अभी आप जितने लोग थे सानेन से काफी जुड़े हुए, सानेन वालों के ताल्लुक से मुझे ऐसा, मैं एक पर्टिकुलरली ब्रीड का नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक आपका जो ग्रुप देखा हो मैंने, जो आप लोग देखा हो मैंने, आपकी एक बात भी अच्छी लगती है मुझे कि आप लोग भी मतलब काफी बॉन्डिंग अच्छी रखते हो एक दूसरे में। सो क्या बोलना चाहेंगे आप इस ताल्लुक से? कैसे भाई सब अपने अपने लेवल पे अपने अपनी इस्तेदाद के हिसाब से सानेन का शौक करें जी, कोई बहुत अच्छी भी कर रहा है कोई मीडियम भी कर रहा है जी, लेकिन इसमें ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते जी, ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को। जिस किसी के पास कुछ अच्छी चीज आए तो दूसरे जो सानेन वाले उसको मतलब मुबारकबाद देते, मुबारकबाद देते, शुभकामनाएं देते जी जी जी। तो ये पॉजिटिव के पास ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, नेगेटिव्स भी है लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मैंने देखा हो कि भाई एक दूसरे को प्रमोट करते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा लो, ये बकरा आपके बकरी के लिए सुटेबल रहेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैनर है आप लोगों में, और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव मैनर हर एक फील्ड में रहना चाहिए, हर एक ब्रीड के लोगों में रहना चाहिए। फील्ड को अगर आगे बढ़ाना है तो भाई साथ रहकर बढ़ाना चाहिए, उनका एक साथ खड़े होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रीड रहने दो, सानिया रहने दो या बर्बर या एक्सवाइजेड कोई भी, आपके कॉम्पिटिटर को एज अ पॉजिटिव लेते हो तो मैं समझता हूँ भाई आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा चलता है। मैं समझता हूँ इसमें कॉम्पिटिशन नाम का वर्ड ही नहीं यूज होता, कॉम्पिटिशन मैंने इसीलिए बोला कि भाई पॉजिटिव बोला हूँ मैंने, ठीक है भाई आज आपके पास चीज है कल किसी और के पास भी आएगी तो आपको उसकी चीज की लिए खुश होना चाहिए कि भाई चलो उस बंदे के पास अपने से अच्छा बकरा आया तो है। कैसा है भाई इसमें किसी ब्रीडर का बच्चा अच्छा आया जी, तो अगर उसके पास उससे भारी ब्रीडर है लेकिन वो बच्चा परचेस करता है इसमें, राइट ऐसा राइट। नहीं कि मेरे पास इतना भारी ब्रीडर है मैं वो ब्रीडर का बच्चा क्यों लूं। और जब आपने ये बकरा परचेस किया था मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा बच्चा परचेस भी किया था उसके साथ ही साथ, उस टाइम पे मैंने एक बहुत अच्छा पूरे औरंगाबाद का सबसे महंगा बच्चा था जो 2 महीने पे था, और हमको उसकी भी स्पेशल वीडियो बनाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके वजह से जगह नहीं मिली आपको शायद से वो रखने के लिए। वो असल में जब ये मैंने खरीदा तो मैंने सोचा फिर उसको क्यों रखूं, उसको कुछ टाइम रख के मैंने हमारे दोस्त को सेल कर दिया जी जी जी, कि अब डायरेक्ट बड़े ही बकरे मेहनत करेंगे जी जी। सो भाई बहुत मजा आया, थोड़ी वीडियो लेंथी थी क्योंकि भाई हर रोज तो इसकी वीडियो बनने नहीं वाली है। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ भारी बकरे से नहीं होता, उसके लिए फीमेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। अगर 60-70% बकरे का है तो 30-40% फीमेल का भी रोल होता है बच्चा अच्छा बनाने के लिए। ये चीज जो ब्रीडर्स है यही समझ सकते हैं कि भाई सिर्फ बकरा ले लूंगा तो काम नहीं चलेगा, बकरिया भी होनी चाहिए। एकदम लो क्वालिटी का अगर सानेन में लगूंगा तो क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी, मुझे फीमेल्स भी भारी लगेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका भी कलेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो सेटअप है जी वो इंशाल्लाह आपका भी दिखाई दिया जाएगा, और हमारे एफके गोट्स का भी इंशाल्लाह हम पूरा सेटअप टूर करवाएंगे लोगों को, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब इसके रिजल्ट्स आएंगे और इसके रिजल्ट्स भी लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो बहुत लेंथी है आमतौर पे क्योंकि देखिए हर रोज तो हम इतनी बात नहीं करने वाले, हर रोज इतने लोग नहीं आने वाले अपना वक्त छोड़कर। सही बात, तो भाई बकरा फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ इसी ताल्लुक से उसकी इतनी बातें की जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने अपने राय मशवरे सानेन से रिलेटेड जुड़े हुए जो लोग है अपने अपनी राय रखे, पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव हो सकता है नेगेटिव रखिए। इन दोनों भाइयों को आप कुछ सलाह मशवरा देना चाहोगे तो वो भी दे सकते हो, और हमारे ताल्लुक से मेरे ताल्लुक से अगर कोई राय मशवरा देना चाह रहे हो तो वो भी आप लोग, बेहतर है कि भाई ग्रुप में नहीं बोलते हुए
वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो आप, लेकिन लाइव देखे बाद सलाह मशवरा दिए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, उसको एक्सेप्ट करने में। आइए देखिए, दिखाओगे लेकिन बकरा इंशाल्लाह भाई, किसी को मना नहीं किए, जितने लोगों ने फरमाइश की थी बकरा दिखाओ बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं बोला, दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी सानियन के तकरीबन 90% लोगों ने तो घर पर आकर देखी बकरा, देखिए जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, मैं आप दोनों को इसके ताल्लुक से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसमें आपको खूब बरकत दे, आमीन, और इसकी उम्र में और इजाफा फरमाए, इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से हो सकता है इधर उधर की बात किसी को बुरी लगी हो, हमारा तो इंटेंशन नहीं था, किसी के ऊपर अपन उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने कैसा बुरा बोलना है उसको बुरा बोलना है, ऐसे इंटेंशन से कोई वीडियो नहीं है। आपका वीडियो में होना हो आपके ताल्लुक से ही बात करूंगा मैं, किसी और के ताल्लुक से कुछ बात नहीं करूंगा, कोई अपने हंग पर ले भी ना, क्योंकि किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी, सब फिर भी किसी को अगर ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो भाई वो हमें भी बता सकता है, बजाय इसकी कि किसी ग्रुप में बैठ के इस बात पे डिस्कशन करने से। आप नंबर दे देना जी, अगर कोई सलाह मशवरा कुछ देना चाहते हैं तो नंबर तो रहेगा इंशाल्लाह सर का, स्पेशली आप सलाह मशवरा दे सकते बकरे के बारे में, बजाय इसके कि ग्रुप में बैठ के बात करें, डिस्कशन करने से कैसा है जी, वो आप भी गुनहगार, मतलब जो बातें करने वाले हो जाते हैं आपकी गुनाह बढ़ते हैं उससे, सही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर भाई, अस्सलाम वालेकुम।